काफ़ी गुड न्यूज़ है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें योगी जी ने आदेश दे दिया है और सारे अधिकारियों की मीटिंग भी बुला ली है। तो देखिए आखिर मीटिंग में क्या क्या हुआ, किसे किसे बुलाया गया और क्या क्या कहा गया, क्या क्या निर्देश दिया गया, सब कुछ आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। बताया गया है कि प्राथमिक की, माध्यमिक की, प्राविधिक की, व्यावसायिक की, जितने भी तरह के शिक्षण संस्थान हैं, जहाँ भी अध्यापक का चयन होना है, सभी अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए एक आयोग नया बनाया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहा गया। इसमें सारे सदस्य नामित किए जा चुके हैं, अध्यक्ष बचे हैं उनकी भी नियुक्ति यथाशीघ्र कर दी जाएगी और आयोग जो है चयन की कार्रवाई समय से कराने की अपेक्षा है इनको, मतलब एक तरह का आदेश ही इसे मानिए। और इस पर कार्य जो है तेजी से चल भी रहा है, अध्यक्ष भी आपको एक दो दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अध्यक्ष 2-3 साल से नहीं मिल रहे थे, बार बार रिटायर हो जा रहे थे, ऐसे अध्यक्ष अब रिटायर नहीं होंगे अब, क्योंकि आदेश जारी हो गया है। कुछ और भी आदेश आए हैं कि जो भी एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे वो एग्जाम सेंटर बिल्कुल साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले होने चाहिए, CCTV की व्यवस्था होनी चाहिए और पहले तो नगरीय क्षेत्र में यानी कि सिटी में सेंटर होना चाहिए, जरूरत पड़े तभी जा करके गाँव में रखा जाए। परीक्षा केंद्र के निर्धारण में जो महिला हैं, दिव्यांग हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाए कि अपने नज़दीकी वाला सेंटर ही पाएँ, होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर पाएँ, होम सिटी में सेंटर पाएँ। यदि एडेड कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं से भी सम्मिलित न हो, साफ साफ ये निर्देश दिया गया है। तो फिलहाल ये आदेश जारी कर दिया गया है। जितने भी उच्च स्तरीय अधिकारी हैं सभी की मीटिंग कराई गई है, जितने भी हर विभाग के, जितने भी शिक्षा विभाग में अलग अलग शिक्षण संस्थानों के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं सबको बुलाया गया है, सबको एक साथ बैठाया गया है और आयोग के जो सदस्य हैं उनको भी बुलाया गया है कि सभी लोग आपस में मिलजुल करके एक बढ़िया से पूरा डिटेल हर एक चीज़ मसौदा तैयार करें और उसी के अकॉर्डिंग ये जो है वैकेंसी जो भी आगे आने वाली है सबको फुलफिल कराएं। फिलहाल अब आदेश जारी कर दिया गया है तो आदेश पे अमल भी होना शुरू हो गया है। बाकी जैसे ही कुछ नया न्यूज़ आता है कुछ चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।